بسم الله الرحمن الرحيم सलाहुद्दीन अयूबी सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला हजरत सलाहुद्दीन अयूबी बहुत बड़ा सूफी बहुत बड़ा मुजाहिद बहुत बड़ा दलेर लेकिन कमाल ये था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी इल्म रूहानियत तकवा परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। सलेबी जंगे हो रही थी ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे बड़ी अजियत में थे बड़ी तकलीफ में थे। ए अल्लाह क्या बने अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का और उसके अंदर तलवारें हैं नेजे हैं बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था पहले ही परेशानी थी अब और आ रहा है सामान कैसे काम चले। परेशान हुए मीटिंग नहीं बुलाई कबीना का इलाज नहीं बुलाया सियासी हिकमत अमली नहीं बदली मस्जिद अक्सा में चले गए सारी रात रो के गुजार दी। ए अल्लाह मैं अपने लिए नहीं आया तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ए अल्लाह मुझे मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदावंदा ए अल्लाह तू मेरे नियते मेरे इरादे जानता है मेहरबानी फरमा मुसलमानों को कुव्वत दे कुफर के दिल में रोब डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे मस्जिद से बाहर निकले एक नेक पारसा सूफी बुजुर्ग से सामना हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे हुजूर दुआ करना दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा असला लेके मेहरबानी करो दुआ करो बहरी बेड़ा आ रहा है मुसलमानों को अल्लाह कामयाबी दे दे। बाबा जी कहने लगे अल्लाह अकबर वो तो बेड़ा गर्क हो गया है वो तो बेड़ा गर्क हो गया है वो तो डूब गया है अल्लाह अकबर वो तो डूब गया है अल्लाह अकबर वो तो तबाह हो गया अल्लाह अकबर।